मैंने यह बता दिया था कि जब भी हमें कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सेस को प्रॉपरली चूज कर लें। हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करी थी, यह एक्स एक्सेस और यह वाई एक्सेस। इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज कर लेने से फायदा यह हुआ था दैट वाई एक्सेस बिकम्स द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एंड इफ वाई एक्सेस इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन दैट केस द सेंटर ऑफ मास वुड लाई ऑन वाई एक्सेस। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी फाइनाइट एंड इट वुड बी डिफाइंड इन दिस मैनर। यह मैंने लिख दिया था, यह एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए एंड वी नीड टू डिटरमाइन दैट। अब हम इसी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को डिटरमाइन करना सीखते हैं। Now, in such type of problem, first of all, what we need to do is, we need to choose a constant quantity. If this is a uniform semicircular wire, then there must be some constant value which can be introduced. हम कहते हैं, इस uniform semicircular wire के लिए mass per unit length would be constant. The mass is uniformly distributed over this semicircular length. यह जो सेमी सर्कुलर लेंथ है इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं सबसे पहले यह मास पर यूनिट लेंथ टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, मास पर यूनिट लेंथ, एंड दिस मास पर यूनिट लेंथ लेट मी डिनोटेड बाय रो एंड इट वुड बी द टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ फॉर दिस वायर एंड इट वुड बी अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। यह इस वायर के लिए एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी, इट वुड नेवर वेरी। नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, अब मैं एस आई टोल्ड यू, फॉर एनी कंटिन्यूस मास वेरिएबल सिस्टम we need to choose a differential element, and by choosing that differential element we discretize that mass system. ab hum differential element kaise choose karte hain is baat ko dhyan se dekhe, maine wire ka yah particular element choose kar liya, yah differential element choose kar liya hai, aur yah differential element wire ke center par kuch d theta angle subtend karta hai and it's at an angle of theta subtending some angle d theta. It have got length of dl and it have got mass of dl. Maine ek wire ka chhota sa element, ek differential element, infinitesimally small element choose kara. Yah y axis ke sath theta angle par hai. Is element, ye jo dl length का एलिमेंट है, इट्स सबटेंडिंग सब एंगल d थीटा एंड इट्स हैविंग मास ऑफ d। अब मैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कुछ बातें लिखता हूं। सबसे पहले मैं इसका dl लेंथ को d थीटा को रिलेट कर देता हूं। आई ऑलवेज नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ इज dl, रेडियस इज आर एंड एंगल इज डी थीटा। एंगल के लिए मैं डी थीटा लिखता हूं, डी थीटा इज एंगल सबटेंडेड, डीएल इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल की यह बेसिक डेफिनेशन है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वही डेफिनेशन मैंने अप्लाई करी है, डी थीटा इक्वल टू डीएल अपॉन आर्क, and from here I'll write dl is equal to r d theta. This is the length of wire. Up the differential length of wire I had related it in terms of radius of wire and the angle subtended by it. Now ab main kya karta hu, main iska mass dm nikalta hu. dm mass nikalne ke liye main yah definition jo maine introduce kari hai iska istemal karunga, mass पर यूनिट लेंथ इज रो। मैंने
इस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को डिफाइन करा. मैं कहता हूं मास ऑफ एनी एलिमेंट वुड बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ मस्ट बी मास. तो मैं कहता हूं डीएम मस्ट बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीएल. रो इज मास पर यूनिट लेंथ एंड इट्स लेंथ इज डीएल एंड इट्स मास इज डीएम. सो आई कैन राइट डीएम इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ के लिए एम अपॉन पाया और लेंथ के लिए आर डी थीटा. सो दिस बिकम्स आर से आर कैंसल्ड एम अपॉन पाय इन टू डी थीटा. दिस इज मास डीएम ऑफ द वायर. अब मैं इसी समय इंटीग्रल डीएम इज इक्वल टू एम वह कंफर्म कर देता हूं वेदर दैट इक्वेशन होल्ड और नॉट. फिर मैं सेंटर ऑफ मास भी डिटरमाइन करूंगा. देखिए सबसे पहले यह मैं सिर्फ कंफर्मेशन कर रहा हूं. वी नो दैट